हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव लॉन्च, एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं आप। इसके महिंद्रा ऑल न्यू स्कॉर्पियो का 2017 का जो फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, उसका ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आप देख रहे हैं ज्ञानी इनफ पे। तो जैसे कि हम लोग हमेशा शुरू करते हैं, इसका फ्रंट प्रोफाइल है गाड़ी का। जैसे फ्रंट से आप देख रहे हैं जो विजिबल चेंजेस हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। सामने जो पूरा ग्रिल है गाड़ी में पूरा चेंज कर दिया गया, जो पॉन्च शेप में पूरा ग्रिल आपको मिल जाता है जो महिंद्रा की और भी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नीचे आप देखते हैं अगर यहाँ पे जो पूरे आपके फॉग लैंप्स हैं, साइड में पूरा आपको जो क्रोम इंसर्ट्स के बीच में जो फॉग लैंप्स मिलते हैं बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ओवरऑल जो इसका फ्रंट का चेंज है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज लेके आई है कंपनी, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो पूरा एक्सटीरियर है सामने से जो इसका फ्रंट लुक है, अब हम लोग अगर इसके पास में चलते हैं जो इसकी जो ग्रिल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पूरी जो ब्लैक फिनिश के साथ जो पूरे ये क्रोम पे जो इंसर्ट दिए गए हैं इसको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फील देते हैं, जैसे मैं आपसे शेयर किया। चलते हैं इसके हेडलैम्प्स की तरफ, जो मेन हेडलैम्प्स हैं। तो जो आप चेंजेस देख रहे हैं इसमें, जो पूरा जो क्लियर ग्लास ऊपर लगाया गया है यहाँ पे विद आपके जो LED इंसर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे आपके देख रहे हैं जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके हैं जो बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी देंगे आपको रोड के ऊपर। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही एक चौड़ा फ्रेम आपको पूरा मिलता है लाइट में, जो महिंद्रा की वैसे ही एक अच्छी क्वालिटी है। एक एज अ होल लुक दे देता हूँ पूरी गाड़ी का कि पूरी गाड़ी एज अ होल कैसी लगती है देखने में। चलते हैं दोस्तों इसके साइड्स में। तो साइड्स में आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो इसके व्हील्स हैं आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो पूरे सिल्वर इंसर्ट के ऊपर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, जो डल फिनिश यूज़ किया गया है इसमें महिंद्रा की तरफ से। एक एज अ होल लुक इधर से भी दे देता हूँ आपको साइड प्रोफाइल पूरी। इसके चलेंगे गाड़ी के पास में, अब इसके ORVM की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ORVM इसके आप यहाँ पे देख रहे हैं दो फिनिश में आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको पूरा जो इंडिकेटर्स है उसका इंसर्ट यहाँ मिल जाता है, पूरा ये वाइट और नीचे ब्लैक फिनिश में मिलता है, जो इसको एक बहुत ही कूल लुक देता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जो इसके ग्रैब हैंडल्स हैं डोर खोलने के लिए वो आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर के ऊपर। नीचे आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है सिल्वर फिनिश पे, जो एक बहुत ही अच्छा इसको लुक देती है साइड प्रोफाइल को। और बाकी जो डिज़ाइन एक स्कॉर्पियो का है, थोड़ा सा बॉडी जो उठी हुई है बाहर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, जो महिंद्रा डिज़ाइन फॉलो करती है पूरी गाड़ी में। यहाँ पे आप देखते हो जो पूरा डिज़ाइन पैटर्न दिया है कंपनी ने पूरा सिल्वर फिनिश के साथ, इसको एक बहुत ही एक अच्छा लुक देता है, एक्सक्लूसिव लुक देता है साइड्स में भी। अब दोस्तों एक थोड़ा सा पीछे से भी लुक दिखा देता हूँ आपको पूरी गाड़ी का। अब इधर से देख रहे हैं पूरा जो ऊपर आपको पूरे रूफ रेल मिल जाते हैं, ये ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं रूफ रेल पूरे, तो ये एक अच्छा एडिशन है गाड़ी को, एक बहुत ही प्यारा लुक देते हैं। चलते हैं दोस्तों साइड्स में, तो साइड से पूरा एक लुक दिखा देता हूँ पूरा गाड़ी का मैं आपको। साइड से आप पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं इसका। अब चलेंगे गाड़ी के पीछे, पीछे देखेंगे बूट स्पेस कितनी मिल जाती है आपको और इसमें क्या क्या आपको पीछे कितनी जगह मिल जाती है। तो लेट्स ओपन द बूट। तो दोस्तों अब आप ये देख रहे हैं इसका जो पीछे का लुक है पूरी गाड़ी का। तो आप यहाँ पे देखते हैं जो पूरा यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रोम के पूरा जो इंसर्ट मिलता है, जो आपका टेलगेट खोलने के लिए है, बीच में महिंद्रा का लोगो हो गया, बहुत अच्छा लगता है इसको, बहुत ही रिफ्रेशिंग लुक देता है पूरा। पीछे आपको मिल जाते हैं वाइपर्स इसमें, जो आपकी पीछे की विजिबिलिटी को अच्छा करने के लिए मिलते हैं। नीचे आप देख रहे हैं महिंद्रा का लोगो हो गया आपका। यहाँ पर माइक्रो हाइब्रिड जो इसका सिस्टम है जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है वो आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो का S11 वेरियंट है। बात करते हैं जो इसके हेडलैम्प का, जो बैक लैम्प का पूरा जो क्लस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा आपको फुल LED पे दिया है और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, जो कंपनी ने चेंज किया है इसमें, जो कॉस्मेटिक चेंज भी आप बोल सकते हैं, ये आपको पूरा फुल LED पे मिल जाता है। अब नाउ लेट्स ओपन द टेल गेट एंड सी कि गाड़ी के पीछे आपको कितनी स्पेस मिल जाती है। तो ये मैंने खोल लिया है पीछे, तो आप पीछे देख रहे हैं जैसे आपको जो दो सीट्स हैं पीछे पैसेंजर्स के लिए वो मिल जाती हैं। आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से अपना सामान वगैरह रखने के लिए, तो काफ़ी अच्छी खासी आपको एम्पल स्पेस मिलेगी इसमें, अपना सामान भी रख सकते हैं। तो दो सीट्स हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पूरे ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो आपकी सिक्योरिटी को एनहांस करेंगे पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, जो एक अच्छा एडिशन मुझको लगा। साइड्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक ये जो तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये आपको पूरा जो डिज़ाइन पैटर्न मिल जाता है एयर फ्लो के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों ये पूरा बैक साइड था जो मैंने आपको दिखा दिया टेलगेट का। अब इसको इसको बंद करते हैं और चलते हैं गाड़ी के दूसरी साइड में। दूसरी साइड से पूरी गाड़ी आपको एज अ होल दिखा देता हूँ। इधर कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं मिलता आपको, जैसे गाड़ी उस साइड थी वैसे ही गाड़ी आपको इस साइड भी मिल जाती है, कोई भी अलग से एक्स्ट्रा ग्राफिक वर्क एडिशन आपको इसमें नहीं मिलता है। तो ये था पूरा इसका एक्सटीरियर लुक। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी के अंदर, अंदर से देखेंगे गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी मिल जाती है और इसमें क्या अलग है पुरानी वाली स्कॉर्पियो से, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको पूरी M-Hawk की जो बैजिंग मिल जाती है, जो एक महिंद्रा का बहुत ही पॉपुलर इंजन है, उसका आपको पूरा ये क्रोम पर जो इंसर्ट मिलता है बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो लेट्स गो इनसाइड द कार। तो दोस्तों अब मैं जो ऑल न्यू महिंद्रा फेसलिफ्ट 2017 लॉन्च हुआ उसके मैं अंदर आ गया हूँ, उसके इंटीरियर में आ गया हूँ। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आप देख रहे हैं ज्ञानी इनफ पे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जो पहले एक मैं आपको एज अ होल लुक देता हूँ इसके जो पूरा इंटीरियर है, उसके बाद इसमें डिटेल में बात करेंगे कि और क्या क्या आपको इसमें चेंजेस वगैरह मिल जाते हैं। दोस्तों ऐसे हमेशा हम लोग शुरू करते हैं डोर से। तो फ्रंट वाला आपको मिल जाता है ऑटो का, जो विंडो का अप डाउन करने के लिए, बाकी आपको मैनुअल मिल जाते हैं। ये आपका लॉक के लिए हो गया, जो आपका फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी सेफ्टी को इम्प्रूव करता है। इधर आप देख रहे हैं तो पूरा टीन टोन में आपको मिलता है
डोर, ये आपका पूरा एक लाइट बेज बोल सकते हैं, लाइट वाइट बोल सकते हैं, थोड़ा सा डार्क वाइट भी बोल सकते हैं। ये आपका सिल्वर फिनिश हो गया। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं जो पूरा ब्लू फिनिश में क्लॉथ फिनिश दिया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इधर आप देखते हैं जो आपके पूरे एसी वेंट्स हैं यहाँ पे, ये आपको साइड में पूरे क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाते हैं। नीचे आपको लाइट वगैरह आप यहाँ से अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको जितनी डेंसिटी एडजस्ट करनी है वो मिल जाती है। ये आपका जो फ्यूल है वो आप फ्यूल लेड है उसको खोलने के लिए हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अगर उसके अलावा दोस्तों आपको मिल जाता है ओआरवीएम एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट जो ओआरवीएम एडजस्टमेंट आपको करना है वो आप कर सकते हैं। जब गाड़ी ऑन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, इसके जो मेन मीटर्स हैं वो पुरानी गाड़ी की तरह मुझे लग रहे हैं देखने में, जो आप देख रहे हैं सामने से। ये आपका आरपीएम मीटर हो गया, बीच में छोटा सा डिस्प्ले आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपका हो गया इसमें स्पीडोमीटर, यहाँ से अपना आप देख रहे हैं, इससे बीच में छोटा डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको जो गाड़ी की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं कि कितना किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है, आपकी जो गाड़ी की कितनी जो कूल हॉट है वो सब आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और छोटी मोटी जितनी भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आप इसमें ले सकते हैं। इसके दोस्तों हम देखते हैं जो पूरा डिज़ाइन फ्रेम दिया गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है देखने में, पूरा सिल्वर फिनिश में जो पूरा दिया गया है, तो इसको एक बहुत ही एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा फील देता है, एक एरी फील देता है पूरा जो इसका इंटीरियर है, जैसे मैंने आपको एज अ होल पूरा दिखा भी दिया था। अब चलते हैं जो इसका स्टॉक्स देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपके जो वाइपर के स्टॉक्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। इधर आप देख रहे हैं जो आपके जो लाइट्स के स्टॉक हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलते हैं इसकी स्टीयरिंग की तरफ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो टोन में पूरी आपको स्टीयरिंग मिल जाती है। इधर आप देखते हैं पूरा जो ब्लैक फिनिश और यहाँ पे पूरा जो सिल्वर फिनिश है वो आपको मिलता है, जो स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पूरा आपके टेलीफोनी के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इधर देखते हैं यहाँ पर जो क्रूज़ कंट्रोल है जो आपको इस मॉडल में मिलता है, जो एक अच्छी चीज़ है, वो आपको यहाँ मिलता है, जो उसके कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल डिटेलिंग नोटिस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पूरा बीच बीच में आपको यहाँ पर हल्का सा क्रोम इंसर्ट दिया गया, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और जो स्टीयरिंग को ओवरऑल एक बहुत ही रिफ्रेशिंग लुक दे रहा है। चलते हैं दोस्तों इसके मिडिल कंसोल में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके एसी वेंट्स हो गए, नॉर्मल आपको पूरा ये साइड्स में ये कवर्ड मिल जाते हैं, जो बैकग्राउंड इसका है क्रोम पे मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। नीचे आप दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो पूरा फिनिश है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, जिस रेंज की गाड़ी हिसाब से आपको बहुत अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी मिल जाती है। दो टोन में पूरा डैशबोर्ड मिलता है आपको, बल्कि आप तीन टोन बोल सकते हैं, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे आप दोस्तों देखते हैं तो पूरा आपको बेज फिनिश मिल जाता है। बीच बीच में जो ये सिल्वर इंसर्ट्स करे गए हैं ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इसको एक रिफ्रेशिंग लुक देते हैं। साथ में आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो का जो लोगो है आपको एक क्रोम बेस पे मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और एक कह सकते हैं कि इसकी ब्यूटी में ऐड करता है जो इसका इंटीरियर है। अब आते हैं जो इसका मेन हाईलाइट है, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आपको ये टच बेस पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे सारे आपको कंट्रोल्स बटन फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क वगैरह इंसर्ट करने के लिए आपको पॉइंट मिल जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं अपना जो आपका जो पावर है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जो अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की है। इसके अलावा आपका जो ऑटो जो सिलेक्ट है आपका जो बटन है वो आपको ट्यूनिंग वगैरह के लिए यहाँ मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देख सकते हैं जो सबसे मुझे सही लगा कि नीचे आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको एसी का अपना जितना भी कूलिंग वगैरह वो सब आपको दिखाएगा। ये आपका जो रोटरी नॉब दिया गया है यहाँ पे, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा क्रोम के साथ दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इधर आप देख रहे हैं जो फैन आपका हो गया उसमें पूरा रोटरी नॉब है, पूरा आपको क्रोम पे साइड्स में दिया गया, बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है। इसके नीचे अगर आप देखते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है आपका मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। चलते हैं दोस्तों एक पूरा आपको पहले मैं एक वर्टिकल लुक दे देता हूँ पूरा जो इसका मिडिल कंसोल, उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखा दिया, कोशिश करूंगा दोस्तों इसका अलग से वीडियो लाने के लिए, इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उसका मैं अलग से वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो इसका आप गियर की तरफ चलते हैं, तो ये आपको मिल जाता है दोस्तों 6-speed गियरबॉक्स मॉडल है विद रिवर्स है। यहाँ पूरी एक डार्क सिल्वर फिनिश पूरी बनाई गई है कंपनी की तरफ से, साइड में पूरा जो बेज है बहुत अच्छा लगता है देखने में, एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फील देता है पूरा। गियर का पोजीशन बहुत अच्छा है तो आपको गाड़ी चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे आप देखते हैं थोड़ा सा रगेड एक जगह दी गई है, यहाँ पे भी अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ छोटे आपको दो स्क्वायरिश आप बोल सकते हैं कप होल्डर्स टाइप कुछ मिल जाता है, तो इसमें भी आप अपना सामान वगैरह चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा आपका ये हैंड ब्रेक हो गया विद सिल्वर फिनिश दिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो दोस्तों अगर इसके जो फ्रंट की बात करते हैं तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपसे कवर कर दी, कोई भी चीज़ शायद नहीं बची मेरी तरफ से। अब चलते हैं इसके जो पैसेंजर साइड है उसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं जो पूरा सिल्वर फिनिश है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। नीचे हम लोग खोल के देखते हैं डैशबोर्ड में, तो आपको ठीक ठाक जगह मिल जाती है, आपका छोटा मोटा सामान पेपर वर्क वगैरह सब आराम से इसमें गाड़ी में आ जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा।
यहाँ पे आप देखते हो जो विंडो आपकी जो अप डाउन करने का जो बटन है वो आपको मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था डोर पूरे आपको इसमें साइड्स में तीन टोन में मिलते हैं, जैसे कि आपको ये आपका सिल्वर फिनिश है, आप बोल सकते हैं इसको मिल्की फिनिश हो गया, नीचे आपका पूरा ये सिल्वर फिनिश हो गया, इधर आपको जो पूरा क्लॉथ पे मिल जाता है और ये आपका ग्रैब हैंडल ब्लैक में हो गया। तो काफ़ी एक अच्छा और एक पूरा एरी केबिन लगता है पूरा गाड़ी में जब आप अंदर बैठते हैं। महिंद्रा जो न्यू स्कॉर्पियो है 2017 का जो फेसलिफ्ट है, बहुत ही अच्छे इंटीरियर्स बनाए हैं कंपनी ने अपनी तरफ से। तो दोस्तों ये था इसका फ्रंट का। अब हम लोग चलेंगे पिछली सीट में, पिछली सीट में देखेंगे कितनी जगह आपको मिल जाती है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और कितनी जगह मिल जाती है पिछले पैसेंजर्स के लिए। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार और पीछे देखते हैं कि कितनी आपको जगह मिलती है। उससे पहले दोस्तों ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सनग्लास होल्डर, ये एक अच्छा एडिशन है कंपनी की तरफ से, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा जो लाइट्स आपकी हैं वो आपको इधर मिल जाती हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, डिवाइडेड लाइट्स हैं तो आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी इसमें मिलेगी। तो दोस्तों हम चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो दोस्तों अब हमें ऑल न्यू जो महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है अभी, उसके मैं पीछे वाली सीट से बात कर रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं ज्ञानी इनफ के ऊपर। इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसकी टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका डैशबोर्ड, आप एज अ होल लुक ले लीजिए पिछली सीट से, बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया है पूरा, बहुत ही अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग इंटीरियर्स लगते हैं, बहुत ही एयरी स्पेशियस इंटीरियर्स लगते हैं देखने में, और जिस प्राइस रेंज की गाड़ी हिसाब से आपको सफिशिएंट फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ आपको, जैसे इसको कुछ में क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसमें आपको बोलता है, आपसे बात करेगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिव इन्फोटेनमेंट सिस्टम है। जैसे आपकी गाड़ी अगर रिजर्व में जा रही है तो बोल के बताएगा आपको कि गाड़ी और कार इज़ रनिंग इन रिजर्व। उसके बाद आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको बोल के बताता है जो इसका असिस्टेंट, जो मुझे काफी अच्छी चीज लगी। लेग रूम आपको काफी अच्छा मिल जाता है। फॉर रेफरेंस मेरी हाइट 6 फीट है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही इस गाड़ी में बैठने के लिए। एसयूवी है तो आपको हेडरूम का कोई भी इशू नहीं होगा। पिछले पैसेंजर्स के लिए भी कंपनी ने एसी वेंट्स दिए हैं इसमें, जो इसके ये नोजल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपको एक क्रोम इंसर्ट के साथ मिलते हैं, जो काफ़ी इसको अच्छा लुक देते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको छोटी सी जगह मिल जाती है अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए। सीट्स क्वालिटी भी ठीक है, जिस रेंज की गाड़ी साथ साथ उसमें सीट्स मिल जाती हैं, बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है। स्कॉर्पियो वैसे भी एक बहुत हिट गाड़ी है इंडियन मार्केट में, तो उसी हिसाब से आप सोच सकते हैं, बहुत ही हाई सेलेबल गाड़ी है महिंद्रा की। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पिछले पैसेंजर्स के लिए आपको विंडो अप डाउन करने के लिए जो बटन है वो मिल जाती हैं। यहाँ पे आपके ग्रैब हैंडल्स हो गए ब्लैक कलर में जो एक, और यहाँ पे आप देखें छोटी सी पॉकेट मिल जाती है, अपने आप छोटा मोटा सामान इसमें रख सकते हैं। बॉटल तो नहीं आएगी, बॉटल के नीचे आपको पूरा एक इंसर्ट मिल जाता है यहाँ पे पॉकेट्स में, दोनों साइड आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जो मुझे इसमें फील आ रहा है, जो बेसिक जो चेंजेस मुझे लगे, ये इसमें चेंजेस हैं आपके जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो आपको मैंने बाहर से दिखाए, तो मैं सोच रहा था कि वीडियो खत्म करने के पहले आपको एक और एक वॉक अराउंड दे दूंगा बाहर का, जिसमें आप पूरा गाड़ी बाहर से फिर से देख लीजिए कि गाड़ी कैसी लगती है देखने में। आपको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो खत्म करने से पहले। तो दोस्तों अब चलते हैं बाहर, बाहर का एक वॉक अराउंड ले लेते हैं पूरा, फिर से एक बार मैं आपको पूरी गाड़ी दिखा देता हूँ बाहर से, अगर आपने शुरुआत में अच्छे से ना देख पाए हो तो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों अब मैं गाड़ी के बाहर आ गया हूँ, बाहर से आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला आपको कि एक वॉक अराउंड और दे देता हूँ मैं आपको एक थोड़ा पास से भी, कि गाड़ी पूरी कैसी लगती है देखने में। तो आप आराम से देख सकते हैं मेरे कैमरे के थ्रू मेरे चैनल पे कि क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे मैंने आपसे शेयर कर दिया, पूरा जो फ्रंट है कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। साइड्स में आप देख रहे हैं जो फुटस्टेप्स हैं पूरे ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं, जैसे काफ़ी हाई गाड़ी है तो आपको चढ़ने में काफ़ी अच्छा रहेगा गाड़ी के अंदर। तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपसे कवर कर दी दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।